हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डाई के बारे में। ये डाई बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये उबालना है, छानना है, या आपको रात भर भिगाना है, या आपको 2 दिन पहले भिगाना है, या 3 घंटे लगाना है। इस डाई में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी डाई है और आप इसको साथ के साथ घोल कर भी लगा सकते हो। और इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाली हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं बालों के लिए। और मैंने क्या किया, सब जो चीज़ें मैंने इसमें डाली है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर लिखिए। मैं आपको बता देती हूँ उसमें मैंने क्या क्या सामान यूज किया है और ये किस चीज का पाउडर है। देखिए, इसमें मैंने डाला है सिर्फ, इसमें एक मैंने आंवला डाला है और एक मैंने डाला है काला भांगरा, और मैंने डाला है इसमें जटामासी, और एक मैंने डाला है इसमें जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, छबीला। छबीला बहुत ही अच्छा होता है बालों के लिए और उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो एक तो आपके बालों को बहुत ज़्यादा, आंवले से भी ज़्यादा आपके बालों को ब्लैक बनाता है, आपके बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है, और आपके बालों को सबसे ज़्यादा क्या है, वो थिक भी बनाता है। क्योंकि आपके बाल जिनके गिरते हैं उनके लिए, उनके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और छबीला क्या होता है, ये बिल्कुल ऐसा होता है, देखिए अगर ये हाथ में लग जाए। देखिए मैंने अभी इसकी डाई, अभी मैं इसको ना डाई मैंने बनाई थी जब लगाई थी, तो देखिए ये इतना डार्क हो गया, आप देख सकते हैं मेरे अंगूठे में बिल्कुल जैसे मार्केट की डाई होती है सेम वैसा कलर इसका आ जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इसको क्या करना है आपको, इसको ना आपको उबालने की जरूरत है, जिनके पास टाइम नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अरे अभी इसको उबालना है फिर 4 दिन तक रखना है या 2 दिन तक रखना है या रात में उसको मेहंदी को घोल करके रखना है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही अच्छी डाई है बालों के लिए, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव डाई है और उसको ज्यादा देर लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो इसको क्या करना है आपको, सिर्फ आप इसको आधा घंटा लगाइए और इतनी ज़्यादा अच्छी डाई है। अगर आपको ये डाई आप ट्राई कीजिए, अगर आपको लगता है कि वाकई आपके बाल इससे बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं तो आप प्लीज़ इसको फिर शेयर ज़रूर कीजिए ताकि इसके दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सकें। तो मैं आपको बता देती हूँ इसको कैसे करना है। जैसे अगर आपको इसको रात में भिगाओगे तो भी कोई तो अच्छा है, अगर नहीं भिगाओगे तो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि इसको क्या है, मैंने इन सब चीज़ों का जो मैंने बताया, आंवला आपको मैंने बताया है और काला भांगरा बताया है और इसमें मैंने छबीला बताया है और जटामासी बताया है, तो ये क्या बहुत ही ज़्यादा अच्छी डाई है। और इसको क्या करना है आपको, मैंने देखो इसको बहुत ही बारीक छाना है क्योंकि अगर ये थोड़ा भी मोटा हो गया तो जब मैं मेहंदी में इसको लगाऊंगी तो ये क्या थोड़ा थोड़ा गिरता रहेगा सूखने के बाद, तो इसलिए मैंने इसको बहुत बारीक छाना है। और इसको कुछ भी आपके करने की ज़रूरत नहीं है, इसको देखिए डायरेक्ट इसमें डालिए, मेहंदी में डायरेक्ट मेहंदी में डालिए। और इसको क्या करना है मैं इसको आपको घोल के बता देती हूँ। ये देखिए अभी मैं इसको जैसे डायरेक्ट घूलने वाली हूँ मेहंदी में डालने के बाद, तो इसको क्या है आपको सिर्फ 15 मिनट रखना है क्योंकि जिससे कि आपकी मेहंदी थोड़ी फूल जाए और मेहंदी का कलर थोड़ा सा इसमें आ जाए। ठीक है, अगर इसको रात में भी भिगाओगे तो और अच्छे से कलर आ जाएगा, लेकिन नहीं भी भिगाओगे तो भी कोई बात नहीं क्योंकि जो हर्ब्स हैं तो ये डायरेक्ट क्या है आपके बालों में अच्छे से चली जाएंगी, अच्छे से मेहंदी के साथ जब आपके बालों में लगी रहेंगी तो आपके बालों को और ज़्यादा ब्लैक बनाएंगी और ज़्यादा आपके बालों को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाएगी। और इससे क्या होता है, ये एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि आपके बालों को बहुत ज़्यादा अच्छा भी बनाती है और आपके बालों को बहुत ज़्यादा ब्लैक भी बनाती है। तो ये क्या उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, जो लोग सोचते हैं कि अरे कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि घोलने का टाइम नहीं होता है मेहंदी को, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है। और जो लोग जिनकी बहुत ही बिजी लाइफ है उन लोगों के लिए तो और भी अच्छी है। और जिनके बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो गए हैं मेहंदी लगाने के बाद भी थोड़े रेड रेड दिखते हैं, और जिनके बहुत ही ज़्यादा रूट से रेड दिखते हैं, ऑरेंज टाइप के दिखते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है ये डाई। उन लोगों के क्या है, उनके बाल बिल्कुल डार्क हो जाएंगे इससे और सारे बाल एकदम इक्वल हो जाएंगे, कहीं से आपके रेड, कहीं से थोड़े आपके मरून टाइप के या थोड़े ब्लैक वैसे बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। तो ये बहुत ही अच्छी डाई है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसमें क्या है, जो मैंने हर्ब्स डाली हैं वो हर्ब्स जनरली आपको क्या है, जैसे आपको छबीला है तो वो आपको क्या स्पेशली भी मंगाना पड़ सकता है क्योंकि जनरली लोग ये नहीं जानते हैं आंवला शिकाकाई के अलावा। लेकिन अगर आप जहाँ से आप हर्ब्स लेते हो तो आपको 50% तो वहाँ अवेलेबल हो ही जाएगी ये, क्योंकि काफ़ी लोग उसको यूज़ भी करते हैं और काफ़ी नहीं भी करते, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता है वो नहीं भी करते हैं। तो अगर आप दुकान पर जैसे कि आप जाते हो जहाँ से हर्ब्स मिलती हैं, स्टोर में जाओगे वहाँ पर
तो अगर नहीं होगी तो आप उनको बोलोगे तो वो मंगा करके दे देंगे, और जिस चीज़ की डिमांड होती है फिर वो लोग अक्सर उसको अपने पास रखते भी हैं। तो ये बहुत ही अच्छी है और इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप ट्राई करेंगे आपको फर्स्ट टाइम ही आपको इतना ज़्यादा इसका असर दिखाई देगा अपने बालों में, क्योंकि जैसे आप आंवला शिकाकाई वाली डाई लगाते हो या आप इसमें गुड़हल डालते हो या जो भी चीज़ डालते हो, तो उससे क्या होता है उस डाई से आपको क्या आपको काफी टाइम के बाद उसका इफेक्ट आता है आपके बालों में। लेकिन ये जो डाई है आपको इसका इफेक्ट फर्स्ट टाइम आ जाएगा, और इसको आपको सिर्फ आधा घंटा रखना है, 30 मिनट 30 मिनट रखना है इसको, और उसके बाद, और ये जो हर्ब्स है आपके जो मेहंदी के साथ है आपके बालों में डायरेक्ट आएगी और आपके बालों को इतना ज्यादा अच्छा कलर देगी, इतने ज्यादा आपके बाल स्ट्रांग हो जाएंगे उससे, और इतने आपके आपके हैवी हो जाएंगे। जैसे आप खुद ही अपने बालों को ऐसे पकड़ोगे तो आपको इतने ठीक लगेंगे, फर्स्ट टाइम ही आपको फर्स्ट टाइम इतना इफेक्ट करती है डाई। तो ये बहुत ही अच्छी है और ये सबसे बड़ी बात है ये आपके बालों को नुकसान भी नहीं करती है, और इसका हमेशा जब भी आप इसको यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा यूज़ करोगे यानी मतलब जितने लंबे टाइम तक यूज़ करोगे उतने ही ज़्यादा आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छी, और इससे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है इस डाई से, क्योंकि जो मैंने छबीला डाला है वो बाल काले करने के लिए, साथ में बालों को बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी लंबा करने के लिए बहुत अच्छा है ये। तो आपने ऐसी डाई देखी होगी जो आपके बालों को कलर करेगी, लेकिन आपने ऐसी डाई नहीं देखी होगी जो आपके बालों को कलर करने के साथ आपके बालों को घना और लंबा भी बनाएगी, साथ में आपके बालों को जो गिरते हैं उनको भी रोकेगी। क्योंकि जो छबीला मैंने डाला है इसमें तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और काला भांगरा जो डाला है तो ये सब चीजें इतनी ज्यादा इफेक्टिव होती हैं बालों के लिए, इतनी अच्छी डाई है ये। आप इसको अगर एक बार लगाओगे तो आपको फर्स्ट टाइम ही आपको लग जाएगा कि हाँ कितनी अच्छी है। और अगर आपको लगता है कि ये डाई वाकई बहुत अच्छी है और आपके बालों में भी बहुत ज्यादा जल्दी से असर कर रही है, तो आप प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि औरों को भी पता चले कि ऐसी भी कोई चीज होती है जो डाई में लगाई जा सकती है। तो ये आप इसको, उसमें मैंने क्या किया है, छबीला थोड़ा सा सूखा सूखा आता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया है, लेकिन मैंने वो किसी और चीज़ के साथ ऐड किया था। तो छबीला क्योंकि मैं हर बार अपनी डाई में यूज़ करती हूँ, और छबीला क्या होता है थोड़ा मोटा होता है, तो मैंने क्या किया उसको बहुत ही ज़्यादा पाउडर उसका वैसा बनाया है बहुत ही बारीक, क्योंकि वो या तो पानी में उसको बॉयल करना पड़ता है और ये बॉयल करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है, तो मैंने इसलिए जो इतनी भी हर्ब्स होती है मेरे पास मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, तो मैंने उनको क्या है सबको उनका पाउडर बना के रखती हूँ, क्योंकि सब चीज़ों का पाउडर अगर मैं आपको हर उसको अलग 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 रखूंगी तो उसमें क्या होता है थोड़ा सा मिक्स करने में थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि कोई चीज थोड़ी कम आती है कोई चीज थोड़ी ज्यादा आती है। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ मैं कैसे रखती हूँ अपनी हब्स को। ये देखिए ये देखिए मैंने ये जो हब्स रखी है, तो ये मैंने ऐसे मैं इस डब्बे में भर के रखती हूँ, और ये काफ़ी मतलब अच्छी सबको एक साथ मिक्स करके रखती हूँ, और मैं इसका एक चम्मच पाउडर डालती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो आप इसको अगर ट्राई करेंगे बालों में लगाएंगे तो ये आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कितनी ज़्यादा अच्छी है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, अगर ये आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर लिखिए। थैंक यू।